नमस्कार, मैं हूं साधना। आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद की मोरावा से है। नगर पंचायत वासियों ने नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर विवेक सेठ और पूर्वा विधायक अनिल सिंह का किया जोरदार स्वागत। नगर वासियों ने जोरदार तरीके से अनिल सिंह विधायक पूर्वा और कुंवर विवेक सेठ मोरावा नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत कर अपनों के बीच में एक दूसरे को बधाइयां देते हुए क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी भाइयों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। मुनीर अहमद, इशरत अली इमाम सभासद, सुल्तान बेग सभासद, इशरत अली सभासद, रजोलिन, जावेद सलमान, इमरान, नूर आलम, उमेश सिंह, सनी सेठ, पप्पू पठान और भी गणमान्य लोगों ने जोरदार तरीके से कुंवर विवेक सेठ नवनिर्वाचित मोरावा नगर पंचायत के अध्यक्ष और पूर्व विधायक अनिल सिंह का सभी लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि जिस तरीके से परिवर्तन लाए हैं उसी तरीके आप लोग आगे भी सहयोग दें। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, आपका सेवक बनकर आया हूँ, सेवक ही रहूंगा। कुंवर विवेक सेठ ने कहा है, रात हो या दिन हमारी कोठी पर आप कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ, सेवा करूँगा। विश्वास आपने मेरे ऊपर किया है, आपके विश्वास पे मैं खरा उतरूँगा। युवा तक भारत समाचार के लिए गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। आवे फिर कि विधायक अनिल सिंह आए रहे, कहीं ना चलो जेल की तैयारी करो। चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप सब लोग बीच बीच में काफी कार्यकर्ता उग्र हो रहे हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो साधारण और शालीनता के परिचय दें और साथ ही काम पर ध्यान दें, अपने पराये ध्यान न दें। अब वोट जिसने दिया नहीं दिया वो बात खत्म, अब बात आगे बढ़ो, विकास की तरफ बढ़ो और विकास का काम करो। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप सब लोग सरकार के साथ जुड़े रहो और जो भी योजना है वोट देना ना देना ये आपका अपना विचार है। भारतीय जनता पार्टी में वोट डालना ना डालना आपका अपना विचार है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन काम जरूर हम ते लो। और जब हम काम आपके अच्छे अच्छे करेंगे तो आप तो वैसे कह रहे अनिल भैया खड़े हैं तो भैया दे। आजकल तो फोटो भी लगती है ना सबकी, जो प्रत्याशी होता है उसका फोटो लगता, तो अब हम आपको लगता है कि नहीं ये भड़काए रहे लोग, तो आप फोटो को डालते हो सर, एक कौन दिक्कत। तो इसीलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके साथ सरकार पूरी खड़ी है, चाहे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हों प्रधानमंत्री जी, चाहे योगी जी हों। अभी तक धर्मों पे लोग काम करते थे, पहला ऐसा प्रधानमंत्री और इस देश का है जो सिर्फ विकास के एजेंडे पर काम चल रहा है और सिर्फ विकास। अब देखो नोटबंदी फिर बंद कर दी हम लोग, 2000 वाले दबा ली ना सारी, पता नहीं कहाँ उठा लेंगे रुपया। तो हम कहा अच्छा रुको बेटा, वो 2000 वाला बंद कर दी। भाई गरीब आदमी से कहा लेना देना, पड़काए फंसे 2000 वाले जो बटोर बटोर धरे ही। गरीब आदमी की वही पैसा सरकार के पास आई, फिर कॉलोनी के रूप में तुम्हारे पास आई, शौचालय के रूप में तुम्हारे पास आई, राशन के रूप में तुम्हारे पास आई, बिटिया विवाह के रूप में तुम्हारे पास आई, बिजली के रूप में तुम्हारे पास आई। लेकिन जो दबा ली नए बड़का लोग, वही सब सुधरी जाए, सतर्क हो जाए, नहीं तो जेल की सलाख उनके पीछे बड़काए हुई नहीं जाऊ, मेहनत तो कमाई नहीं, कॉलोनी तो लूट लूट जाऊ कमाई। धन्यवाद। चुनाव से ज्यादा मेहनत करी, अपना चुनाव समझ के मुझको ये चुनाव लड़वाया और आज उसी का नतीजा है जो आप सबकी मतों की ताकत से मैं यहाँ का अध्यक्ष चुना गया हूँ। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, विधायक जी सब कुछ कह चुके हैं, क्योंकि जो कहना था अब उसका वक्त बीत चुका है, अब कुछ करके दिखाऊं। जो आपने हमें मत दिया है उस मत का अब मुझे हक आपको अदा करना है, और जिस भी चीज़ के लिए, किसी भी अगर सरकारी योजना के लिए अगर भूमि की कमी पड़ेगी या कोई भी कमी पड़ेगी तो उसको मैं स्वयं पूरा कर दूंगा अपने पास से, जनता के हित के लिए मैं स्वयं पूरा करूंगा। और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजनाएं
आप सब लोगों तक निष्पक्ष तरीके से आप तक पहुंचेगी, बिना भेदभाव के पहुंचेगी, बिना भ्रष्टाचार के पहुंचेगी। और अगर कोई भी कर्मचारी नगर पंचायत का आपसे पैसा लेता है उसके लिए, तो बेझिझक